बस से उतरने के बाद टैक्सी वालों ने पूछा था, बट टैक्सी वाले ले रहे थे करीब 400 बाद और से 15 मिनट की दूरी में था मेरा होटल। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है टुकटुक। टुकटुक स्ट्रेट चलता है, आप रोड में खड़े रह जाए, इस तरह की गाड़ी रहेगी, देख लो इस तरह की गाड़ी रहेगी और आप ड्रॉप कर लो, रोक लो उनको और उसके बाद एक्सक्यूज लो। सो गाइज, मैं अपने होटल में आ चुका हूँ जिसका नाम है द पटाया ए रेसिडेंस और ये है यहाँ के एम्प्लॉइज। यो, तो बड़े थक के मैं पहुँच गया हूँ और इन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया है। एज अ यू कैन कीप दिस पासपोर्ट और यू कैन रिटर्न इट आफ्टर आई राइट ऑल द डिटेल्स, आई विल रिटर्न। ओके, ये बोल रहे हैं कि डिटेल्स लिखने के बाद ये मैं रिटर्न कर दूँगा। यस, तो ओके ठीक रहेगा। माय बेबी इज आल्सो एक्साइटेड, माय बेबी गर्ल इज एक्साइटेड टुडे, वेरी एक्साइटेड। सो व्हाट इज योर नेम बेबी गर्ल? ये इंडियन सिंह का नाम है शेल। हां शेल पॉपुलर द सुपरस्टार। ओके, तो चलो रूम चलते हैं। द सुपरस्टार मिस्टर शेल। गाइज, एट लास्ट हम होटल पहुंच गए हैं। ये होटल का नाम है द ए रेसिडेंस पटाया। तो चलो मैं आपको रूम दिखा देता हूं कैसा है। ये देखो बाहर कैसा है, ऐसा लॉबी है। तो रूम देखते हैं। ये रूम हो गया बंद और ये है बाथरूम। बाथरूम आप देख रहे हैं और ये देखो टब है बढ़िया शावर लेने के लिए। चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये अलमारियाँ हैं सामान वामान रखने के लिए, बढ़िया। ये फ्रिज है, इसके अंदर ड्रिंक व्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब। ये पानी का बॉटल है, देखो नया टाइप का पानी का बॉटल है, ये ड्रिंकिंग वाटर है भाई, ड्रिंकिंग वाटर। ये देखो ड्रिंकिंग वाटर। और ये है रूम, टीवी बहुत गंदी वाली है और ये बाहर का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। तो ऐसा रूम है दोस्तों। सो गाइज, रूम मैं आपको बता दूँ, जो रूम की बुकिंग मैंने की थी ये गो आई बीबो से की थी और ये मुझे अराउंड पड़ा था 1200 पड़ा था रूम मुझे। मैं दो दिन यहाँ रहने वाला हूँ, बट पटाया में हूँ मैं 3 दिन, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था कि यार होटल अच्छी होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैंने 2 ही दिन कराया है। तो यहाँ 2 दिन रहूँगा, तीसरे दिन मैं एक और होटल है वहाँ की बुकिंग कराया हूँ, जस्ट इसके पास ही है तो वहाँ पर जाऊँगा। तो चलिए गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जैसे अपना डी मार्ट होता है, बिग बाज़ार होता है, वैसे 7-Eleven है। यहाँ पे खाने पीने और हर चीज़ मिल जाएगी, वहाँ जाते हैं और देखते हैं, कुछ परचेस करते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे। चलो चलते हैं। ये सैलड यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। चलो सब प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, आइसक्रीम्स हैं। तो चलो कुछ परचेज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से खाने पीने का, है ना। पानी लेते हैं सबसे पहले, मिनरल वाटर बॉटल ले लेते हैं बड़ा वाला। ये देखो मिनरल वाटर है, नेस्ले का 43 का है, 43 बाट। और क्या ले लें खाने पीने का? चलो देख लेता हूँ मैं। मैंने लिया 2 बॉटल मिल्क का, सोया मिल्क चॉकलेट है और ये है और ये। ये 37 बाट। सो गाइज, अभी 7-Eleven से मैंने परचेस कर लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ रूम और फिर उसके बाद मैं जाने वाला हूँ अंडर वाटर वर्ल्ड और ए पैराडाइज। आज बुकिंग कर दिया मैंने ऑलरेडी, तो चलो। और एक चीज़ और यार, वेजिटेरियन बहुत प्रॉब्लम है, कुछ नहीं मिला है मुझे वेज में,
देखते हैं, ढूंढता हूँ। तो अभी तो पहले चलते हैं और अंडर वाटर वर्ल्ड, उसकी टाइमिंग है 5:30 तक की एंट्री है, तो ऑलरेडी 4:30 बज चुके हैं, तो चलते हैं। आई हूँ मैं अभी अपने होटल में ही हूँ और ये देखो ये सब बता रहे हैं मेरे को, तो इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को अंडर वाटर वर्ल्ड जाना है अभी और उसके बाद आर्ट इन पैराडाइज जाना है और उसके बाद टैक्सी में तो होटल में छोड़ दे तो कितना कॉस्टिंग लेगा, तो ये देख लेते हैं, पूछ लेते हैं इनसे क्या कॉस्टिंग रहेगी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ग्रैब, ग्रैब टैक्सी भी है वो, अगर इनका महंगा रहेगा तो मैं ग्रैब टैक्सी, जैसे अपन ओला करते हैं उबेर करते हैं ना, वैसे इनका ग्रैब टैक्सी रहता है, तो अगर जो भी सस्ता पड़े अपन ग्रैब टैक्सी करके चले जाएंगे। तो लेट्स सी, पूछ लेते हैं और मैं बताता हूँ क्या रेट इन्होंने बोला है, आज ये दोनों जगह कवर करना है आज अपने को। सो गाइज, वो तो आंटी ने मना कर दी, मतलब आंटी ने मना कर दिया कि आज तो हो नहीं पाएगा और कल के लिए था, पर बुकिंग तो आज ही है अपनी, तो मैंने ग्रैब टैक्सी से बुक किया है और मुझे लगा है 310 बात वहाँ जाने के लिए, 25 मिनट में पहुँचाएगी, 3 मिनट में आने वाली ग्रैब टैक्सी और फिर अपन चलते हैं ये अंडर वाटर वर्ल्ड आज कवर करना ही करना है और उसके बाद आर्ट इन पैराडाइज में आप लोग को ले जाऊँगा। ओके, फिर चलते हैं। सो गाइज, ग्रैब टैक्सी बुक कर दिया था मैंने और ग्रैब टैक्सी 3-5 मिनट में आ गई थी और ये जो गाड़ी आई है टोयोटा इनोवा आई है, मस्त गाड़ी है, 310 बात है इसका और 25 मिनट में पहुंचूंगा अंडर वाटर वर्ल्ड। अभी बच रहे हैं 4:45। तो मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप भी आए थाईलैंड तो क्या है ना, कपल, एक्चुअली में कपल, देखो हम लोग कपल हैं, सोलो ट्रैवलर तो अपने हिसाब से घूमते हैं वो और कुछ सेंस से आते हैं, लेकिन कपल आ रहे हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कवर करना है, मिस नहीं करना है, यहाँ आए हो यार तो सब देखना है, तो इसलिए मैं पॉइंट टाइम टू टाइम को आपको कैसे प्रॉपर वे में जमाना है वो सब चीज़ आप मेरे से, मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा तो उस हिसाब से आप सेट भी कर लोगे। आज 15 ही तारीख है और मैं आज ये दोनों चीज़ ख़त्म करूँगा, मतलब देख के आर्ट इन पैराडाइज और अंडर वाटर वर्ल्ड। तो गाड़ी भी मस्त आई है, बहुत बढ़िया, तो चलते हैं और रास्ते में आपको दिखाता हूँ पट्टाया। तो हम अंडर वाटर वर्ल्ड में आ गए हैं, आ चुके हैं और अब मैं आपको सब फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, अब वीडियो नहीं बनाता क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ लेता हूँ और फ़ोटोज़ देखिए आप, तो चलते हैं अंदर और फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। सो गाइस, मैं अंडर वाटर वर्ल्ड में हूँ, अंडर वाटर, ये देखो पूरा वाटर है और फिश है इधर और इधर भी, अब बहुत औसम जगह है यार, आना है यहाँ पे, आना मिस मत करना, पटाया आके यहाँ नहीं आए तो फिर मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं आया, क्या बॉर्डर फिश है, वाह मज़ा आ रहा है बुक्का। शार्क है क्या?
सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आर्ट इन पैराडाइज में पहुँच गया हूँ। ये मेरे ऊपर आप देख रहे हो, ये आर्ट इन पैराडाइज है और अंदर पे बहुत 3D इमेजेस हैं, पेंटिंग्स है, वो हम देखेंगे। तो चलिए अंदर देख लेते हैं और पिक्चर्स बहुत सारी ले लेते हैं। आप लोग भी बहुत ज़रूर आइएगा अगर अच्छा लगे आपको तो। अच्छा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मैंने टिकट्स बुक करी थी वो क्लुक से करी थी, तो क्लुक से करने से तुरंत मुझे बहुत कम रेट में मिला है ना, तो इसका रेट भी ज़्यादा है। अराउंड मैं आपको बता देता हूँ कितना रेट है, बताता हूँ मैं पूछ के टिकट काउंटर से। तो इन्होंने कहा है कि 400 baht है, तो क्लुक से करो यार बहुत सस्ते में। मेरे को क्लुक से पड़ा है 650 की टिकट और 400 baht का मतलब होता है 1000 rupees, तो यार अच्छा मिला। चलो अब अंदर चलते हैं और फ़ोटोज़ लेते हैं। गाइस तो आज का दिन हो गया है घूमने का ख़त्म। 15 तारीख को हमने कवर किया अंडर वाटर वर्ल्ड एंड आर्ट इन पैराडाइज, ये दोनों बहुत खूबसूरत जगह थी। आप लोग आएंगे तो ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। और जैसा कि मैंने ये दोनों टैक्सी से ग्रैब टैक्सी लेके ही गया और आया वापस, और आप पहले चले जाइएगा अंडर वाटर वर्ल्ड जैसे मैं भी गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है और मुझे लगा 310 baht जाने का। और वापस डायरेक्ट आप जाइए, अगर आप बीच रोड में ठहरे हो तो मैं बीच रोड में ही था। वापस आते समय आप जाइएगा आर्ट इन पैराडाइज, वहाँ से फिर आप वॉकिंग करके भी आ सकते हैं, नहीं तो आप मेन रोड में आके बीच रोड में ले आके वॉक करके वहाँ से टुक टुक ले सकते हैं। टुक टुक तो ऐसा है कि आप जो भी रोड में जा रहे हैं वहाँ से ले लीजिए और वो सीधी सीधी चलती है, तो आप फिर जहाँ उतरना उतर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या वॉक करके भी आ सकते हैं। तो मैं तो फिर टुक टुक ले लिया था, वो मेरे लिए बढ़िया था। और बस अभी मैं होटल पहुंच गया हूं और होटल के पास ही इंडियन रेस्टोरेंट था जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन बैटरी ख़त्म हो चुकी थी जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर अभी हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं आपको आसपास जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं, खाना है, वो मैं दिखाऊँगा कैसा खाना होता है और कैसी होटल्स है, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज का बस इतना ही, होप सो पसंद आया हो तो लाइक करो या सब्सक्राइब करो चैनल को। और फिर कल एनर्जी के साथ नया जगह पटाया में मैं आपको घुमाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।